यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र को हम किस तरह से साबित करेंगे। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। मान लीजिए कोई व्यक्ति यह कहता है कि इस a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर इतना नहीं होता है, कुछ और होता है, या फिर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि यदि मान लीजिए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर इतना होता है, तो इसको साबित करके दिखाइए कि किस तरह से इतना होता है, तो हम कैसे साबित करेंगे। तो देखिए, इसको साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है ना a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो देखिए यह जो फार्मूला आया है ना, यह इसी से आया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को पकड़ेंगे, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर एक बार पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ एक बार कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों हमने इसी को लिखा, क्योंकि इसी से यह बना है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है a प्लस बी के होल स्क्वायर। यदि मान लीजिए इस तरह से रहता है a के पावर 2, तो इसके बदले में क्या लिखा जाता है, a गुणे a। यदि इसी तरह से रहता है 2 के पावर 2, तो इसके बदले में क्या लिखा जाता है, 2 गुणे 2। कहने का मतलब कि यहाँ पर पावर 2 है, तो इसका मतलब यह हुआ यह संख्या 2 बार गुणा में है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी तो पावर 2 है ना, तो हम क्या करेंगे, इसी संख्या को यहाँ पर देखिए, इन दोनों का पावर 2 है, इसका मतलब यह हुआ कि यह दोनों संख्या 2 बार हैं, और वो भी किस में, तो गुणा में है। तो इस चीज़ को हम इस तरह से लिखेंगे, एक बार लिखेंगे a प्लस बी कोष्ट 1, फिर गुणा लिखेंगे, और फिर एक बार लिखेंगे इसी चीज़ को a प्लस बी, यह संख्या 2 बार गुणा में है। अब करना क्या है, तो देखिए यहाँ पर हमें बारी बारी से, यहाँ पर है ना a और b, ठीक, तो इन दोनों से बारी बारी से हमें इसमें गुणा कराना है। तो देखिए एक बार हम सबसे पहले a से गुणा कराएंगे यह पूरा वाला में, तो यहाँ पर हो जाएगा a और यह पूरा, तो a प्लस बी। देखिए बीजगणित का गुणा इसी तरह से कराया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस, फिर b है ना, तो b लिखेंगे, और b से इन दोनों में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा a प्लस बी। इस तरह से यहाँ पर समझ में आया है मैंने क्या किया है। देखिए यहाँ पर a है ना, तो एक बार हमने a से इन दोनों में गुणा कराया है, और एक बार यह b से इन दोनों में हमने गुणा कराया है। अब करना क्या है, तो इसको गुणा करा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर है a और a, ठीक, तो a में हम a से गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा a के पावर 2, उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद हम a में b से गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा ए बी, फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद यहाँ पर देखिए b में हम a से गुणा कराएंगे तो यह भी हो जाएगा ए बी, फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद हम b गुणे b कराएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा b के पावर 2। अब देखिए इस चीज़ को हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर है ना a के पावर 2 फिर प्लस, यहाँ पर देखिए यह दोनों एक ही हैं, यहाँ पर भी हैं ए बी और यहाँ पर भी हैं ए बी, और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो यह दोनों जुट जाएगा आपस में। तो यहाँ पर ए गो ए बी हैं और यहाँ पर ए गो ए बी हैं, तो यह दोनों मिलकर हो जाएगा 2ab प्लस, और लास्ट में क्या है, लास्ट में है b का होल स्क्वायर। अब देखिए यह फार्मूला सिद्ध हो गया है, इतना ही ना इसका मान आया है। इसका मान क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का मान क्या है, तो यह है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर भी देखिए आ गया है वही मान, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से a प्लस बी के होल स्क्वायर को साबित किया जाता है।